Dear students, welcome in the lecture series on periodic properties. And this is part 3 where we will discuss about the electron affinity. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है periodic properties lecture series में, जहां पर हम part 3 में discuss करेंगे electron affinity यानी electron बंधुता के बारे में. बंधुता आप जान रहे हैं, मतलब electron को बांधने की जो उसकी जो क्षमता होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो कितनी आसानी से अपने साथ उसको बांधे रख सकता है, कितनी आसानी से अपने साथ जोड़ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सबसे पहले हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या. The energy change which occurs when an electron is added to a gaseous atom to convert it into a gaseous anion. Actually है क्या, एक energy change हम कह सकते हैं electron affinity को, जो कि होता है जब एक isolated gaseous atom, ये किस में convert होता है, isolated gaseous anion में by addition of one electron. तो यहाँ पर electron का addition हो रहा है neutral atom में और उसको किस में convert कर रहा है, anion में. यहाँ पर जो energy change होता है उसे हम कहते हैं electron affinity. दूसरे term में हम उसे कैसे define कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम और आयन टू फॉर्म अ गैसियस एनायन. तो एक गैसीय, जो एक गैसियस आइसोलेटेड मेटल एटम है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़े और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक गैसियस एनायन में, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, या हम एनर्जी चेंज कहें, या हम कहें कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, एनर्जी है. एक्चुअली वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े, वो एक एनायन में कन्वर्ट हो जाए, तब एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे. तो ये एक कैसी प्रोसेस दिख रही है आपको, एक्सोथर्मिक, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ओके, इस एनर्जी को हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट. ओके, अब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पर जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. और जहां पर इलेक्ट्रॉन एडिशन करने में एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है. ओके, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है वो देनी होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी निकल भी सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है और कई बार कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं होता एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता आसानी से. तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी तीनों साइन पॉसिबल होते हैं. एक डेफिनेशन हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और दे सकते हैं. देखिए, एक डेफिनेशन हमने ये दी कि जो एनर्जी रिलीज होती है जब एक गैसियस एटम कन्वर्ट होता है गैसियस एनायन में बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है. दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एनायन. देखिए, ये आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है. ये स्पेशली आप देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, इससे पहले देखिए हमने रिएक्शन लिखी थी इस तरीके से कि एक एम है, इसका गैसियस एटम है, इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये एम जी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, और यहां पर एनर्जी रिलीज होगी
उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं इस रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन लिखूं, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखूं, कि ये जो है एम माइनस, जो एम माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम में, एम माइनस एम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एम माइनस का आयनाइजेशन हो रहा है, जो एनायन है उसका आयनाइजेशन हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस एटम में। तो यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। मतलब अगर हम इसकी अपोजिट रिएक्शन देखें, हम इसको इस तरीके से देखें, तो आप देखिए कि एम माइनस को जब हम एम प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी भी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या वो कुछ अलग है, क्या वो कोई अलग एनर्जी है? आई थिंक नहीं है, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकल रही है, और जब हम एक एनायन का आयनाइजेशन करेंगे तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डेफिनेशन है जिसका मैंने आपको रेफरेंस भी दिया हुआ है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। किसकी? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन जिसके ऊपर माइनस वन चार्ज है टू प्रोड्यूस अ गैसियस एटम। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम ऑक्सीजन की देखें, बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि ये प्लस साइन से दिखाई गई है। बच्चों, प्लस साइन से पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाई गई होगी। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इस फॉर्म में हमने दिखाया है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम कर रहे हैं कि अगर एक एनायन एक जिसके ऊपर एक माइनस चार्ज है उसका अगर आयनाइजेशन हो तो यहां पर जो एनर्जी की जरूरत होगी उसे हम कहते हैं ई ए, और इस जरूरत की एनर्जी को हम प्लस से दिखाते हैं। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि जिसके ऊपर टू चार्ज है ऐसा एनायन अगर सिंगल चार्ज वाले एनायन में कन्वर्ट हो, यहां इस कन्वर्जन के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसे हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, जो कि माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट से रिएक्शन होती है। आपको भी मैं समझाऊंगी सक्सेसिव एनर्जी में जो इसकी अपोजिट रिएक्शन होगी वो क्या होगी। ये अपोजिट जो रिएक्शन होगी, यहां पर ये ओ माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना बहुत कठिन है, यानी इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जब हम इसको ओ में कन्वर्ट करेंगे टू माइनस में। इसका मतलब है कि जब ओ टू माइनस ओ माइनस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो एनर्जी रिलीज होगी तो वो किस में होगी, माइनस में होगी। तो आप ये देखेंगे बुक्स में आपको इस तरीके के साइन दिखाई देंगे जबकि आपने पढ़ा है कि ये माइनस में होती है। ये कुछ ऐसा कोई इतना दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ हम इसको इस तरीके से समझा रहे हैं कि हम इसकी अपोजिट रिएक्शन को समझा रहे हैं। जैसे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमें बॉन्ड को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है। तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दिखाते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्चुअली दो साइन कन्वेंशन है जो आयनाइजेशन एनर्जी के नहीं है। दो तरीके के साइन से हम इसे दिखा सकते हैं। एक जो है थर्मोडायनेमिक साइन कन्वेंशन, जो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नेगेटिव साइन सजेस्ट The addition of an electron in an exothermic process। तो जैसा कि हम कहते हैं, जैसे कि हम क्लोरीन की बात करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 किलो जूल पर मोल होगी अगर हम इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे कि एक क्लोरीन एटम गैसियस में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो एक गैसियस क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी तो हम उसको माइनस से दिखाएंगे, रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये एक थर्मोडायनेमिक साइन कन्वेंशन है उसका। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है कि हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन गैसियस, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन गैस में, और इसका आयनाइजेशन हो रहा है यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अगर ये प्रोसेस हो रही होती यानी Cl से Cl- में कन्वर्ट हो रहा होता तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होती एनर्जी।
और अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कह रहे हैं तो यानी यहां पर एनर्जी क्या होगी, एड अप होगी, उस एनर्जी को एड अप होगी, इसलिए हम उसको प्लस 349 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बुक्स में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, मतलब वो इस साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे हैं जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ -1 आयन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए हम उसको पॉजिटिव से दिखा सकते हैं। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन है, हम किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, दोनों सही कन्वेंशन है। जनरली इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टेबल डिफरेंट बुक्स में शो की गई है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए आई हैड शोन यू द टू टाइप्स ऑफ साइन कन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर हम बात करें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू की, तो जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज होंगी वो बढ़ती जाती हैं। अगर हम देखें कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देखिए मैंने आपसे कहा, अभी मैं फिर बता रही, यहां पर मैंने इसको दूसरे फॉर्म में दिखाया, यानी माइनस और प्लस की फॉर्म में, इसी को हम दिखा सकते हैं। इसको कई किताबों में 144 भी दिखाया हुआ है, ये डिफरेंट वैल्यूज, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया हुआ है। तो ये आप देखेंगे किसी बुक में ये प्लस 144 लिखा होगा और इसको -844 लिखा होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज ओनली द साइन कन्वेंशन। यहां पर हमने जो इसको दिखाया है वो दिखाया है एक्सोथर्मिक प्रोसेस की फॉर्म में, इसलिए इसको नेगेटिव दिखाया है। अगर हम इसको एंडोथर्मिक फॉर्म में दिखा रहे होते, मतलब इसको अगर हम इसका जस्ट अपोजिट दिखाएं तो ओ माइनस ओ में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको प्लस से दिखाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर हम देखें सक्सेसिव यानी एम एम माइनस में कन्वर्ट हुआ, ये पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी यहां पर जो रिलीज होगी। दूसरे केस में आप देखेंगे एम माइनस एम टू माइनस में कन्वर्ट होगा, तो आप देख रहे हैं एम माइनस पहले से ही माइनस है, और माइनस में अगर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहें तो क्या आसान है, नहीं है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस माइनस को इस माइनस में अटैच करने के लिए हम एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली द एनर्जी विल इंक्रीज, और अब देनी पड़ रही है। और थर्ड में आप देखिए दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है, दो चार्ज पहले से ही मौजूद है और हम उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है कि आसान काम नहीं है, इसलिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी इसको M3 में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरीके से यू विल सी दैट द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज, उनकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, यानी EA1 की एनर्जी सबसे कम होगी, देन EA2, देन EA3। और जनरली आप ये देखेंगे कि जो EA1 होती है वो नेगेटिव में, अगर हम उसको कैसे दिखा रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ये नेगेटिव में होगी, और जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पॉजिटिव में होगी। और इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो हम ये देखेंगे, अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, मतलब अगर हम आयनाइजेशन की फॉर्म में अगर इसे दिखाएं कि ओ माइनस का आयनाइजेशन हो रहा है, देन द फर्स्ट ईए विल वन दैट प्लस इन प्लस साइन एंड द अदर ईए विल बी इन द नेगेटिव साइन। तो इसमें मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, इसी को हम दो तरीके के कन्वेंशन में शो कर सकते हैं। तो कुछ भी हो, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज को एक एनायन में जोड़ना बहुत कठिन काम है। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड देखें, जनरल ट्रेंड, तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान होगा। तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस विच वी विल डिस्कस्ड इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, एंड इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अगर हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जनरल ट्रेंड क्या है कि वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस इन दिस ट्रेंड। ओके, सो अगेन दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। तो अक्रॉस अ ग्रुप
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट एक हम जो देखेंगे सेकेंड और थर्ड पीरियड में हम डिफरेंस देखेंगे। तो अब आप देखिए सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को। ओके, अब अगर हम देखें ऑक्सीजन और सल्फर को, ऑक्सीजन के नीचे कौन है? सल्फर। ओके, तो सल्फर अगर हमने पीरियोडिक ट्रेंड कहा कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन यहां पर क्या है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। ओके, लाइकवाइज इन केस ऑफ हेलोजन्स, जो थर्ड पीरियड है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है और सेकेंड पीरियड की क्या होती है, कम होती है। तो आप ये एक्सेप्शन देखेंगे ग्रुप में, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है और सल्फर का बड़ा है। सल्फर का साइज कैसा है? लार्ज है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और ये जो स्मॉल साइज है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में जा रहे हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो साइज जो है ऑर्बिटल्स का भी इंक्रीज होता है और जो एलिमेंट का साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये 2p ऑर्बिटल का साइज इतना छोटा होता है, मान लीजिए कि ये 2p ऑर्बिटल का साइज है, ये 3p ऑर्बिटल का साइज है, तो यहां पर एक अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एड करेंगे तो वो क्या करेगा, यहां पर कॉम्पैक्टनेस की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका साइज बड़ा है यहां पर 3p ऑर्बिटल का, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से होगा, मतलब बड़ा रूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है उनका साइज बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हैं इट कैन बी एकोमोडेटेड, सो नो रिपल्शन विल बी देयर। ओके, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अधिक होती है। इसी तरीके से एफ और सीएल का केस है, जो एफ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2p ऑर्बिटल में जाएगा जो कि कॉम्पैक्ट होता है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा सीएल के केस में 3p में जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इट फील मोर रिपल्शन, जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें रिपल्शन होगा, यहां पर रिपल्शन कम होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सीएल की अधिक है ड्यू टू इट्स लार्जर साइज एंड दैट ऑफ एफ विल बी स्मॉलर। तो ट्रेंड क्या होता है कि सीएल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, देन एफ की होती है, देन बीआर की होती है और देन आई की होती है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेंड लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें सल्फर की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, देन ऑक्सीजन की, देन एसी, देन टीई, देन पीओ। तो इस तरीके से ट्रेंड है, ये ट्रेंड आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ट्रेंड होना चाहिए था वो नहीं है टॉप टू बॉटम जाने पर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में, स्पेशली इन केस ऑफ फिफ्थ ए एंड दिस सिक्स्थ ए एंड सेवन्थ ए, ये सेवन्थ ए है एंड ये क्या है सिक्स्थ ए, तो इनके केस में सेकेंड और थर्ड पीरियड में के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। ओके, सो नाउ लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर, हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। और यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसे कहते हैं, जनरली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को हम एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू भी शो करते हैं। तो इसीलिए दो तरीके के साइन आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में, आपको पॉजिटिव में भी दिखेगा और नेगेटिव में भी आप इसको लिख सकते हैं। और पॉजिटिव में मतलब है कि हम उसमें आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एनआयन के आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये उसका साइन कन्वेंशन है, दो हम उसको पॉजिटिव साइन से भी शो कर सकते हैं, नेगेटिव साइन जनरली उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, वो नया साइन कन्वेंशन है उसका। ओके, देन आपने पीरियोडिक ट्रेंड देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज होती है, बट ट्रेंड में बी चेंज्ड एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन दी नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जनरल ट्रेंड है कि वो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट विल डिक्रीज, बट देयर इज एक्सेप्शन स्पेशली इन केस ऑफ सिक्स्थ ए एंड सेवन्थ ए ग्रुप, वेयर यू विल फाइंड
the elements of third period, they are having greater electron affinity than the second period elements. क्यों होगा? क्योंकि छोटा साइज होता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का, और जो उसका 2p ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करना है वो भी बहुत कॉम्पैक्ट साइज होता है. सो दे फील मोर रिपल्शन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट्स पीरियोडिक ट्रेंड. So, thank you very much.